आज तो माही भाई वर्सेस केदार जाधव दोनों एंड से छक्के छक्के लगेंगे बे साले। वैसे रवि शास्त्री जी ने क्या इंस्टाग्राम पे प्यारी स्टोरी डाली, तुमने देखा? अच्छा ये आंद्रे रसेल है क्या? इस भाई को क्या गम हो गया, भाभी भाभी छोड़ गई क्या? और वैसे भी यार एक मिनट, नेक्स्ट मैच तो केकेआर का अहमदाबाद में है, तो ड्राई स्टेट में दारू मिल के सर गया। इन भाई को अपने का सिस्टम ही नहीं पता। वैसे अभी जो मिड सीजन ट्रेडिंग चल रही है उसमें भाई राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स से उथप्पा की मांग की एज ए लोन कि हमको उथप्पा चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि जो प्लेयर 2 से कम मैचेस खेल चुका है उस प्लेयर के लिए तुम डिमांड कर सकते हो, लोन ले सकते हो दूसरी टीम से। तो आरआर ने बोला कि सीएसके उथप्पा दे दे यार, तो रिलीज किया है कि उथप्पा बेंच उसको ताकि वापस ले सके। एबी डी विलियर्स की इनिंग्स देखने के बाद सुनील गावस्कर ने स्टेटमेंट दी कि यार एबीडी की बैटिंग देख के जबड़ा खुला कि खुला रह जाता है, इतनी प्यारी बैटिंग करते हैं, इनसे ओपनिंग कराओ। भाई कभी कभी मेरे भी मन में आता है कि क्यों ना एक दिन पोलार्ड हार्दिक पांड्या से ओपनिंग कराई जाए, क्यों ना एक बार रसेल और मॉर्गन से ओपनिंग कराई जाए। एटलीस्ट यार जब तुम सीजन से बाहर हो चुके हो तब तो ट्राई दो, अपने फैंस के लिए खेल लो एक बार। वैसे हम लोग मीम्स में मामा रिव्यू करे उससे पहले तुम लोग कमेंट करके बताना आज कौन से प्लेयर को देखने के लिए एक्साइटेड हो। अपन तो भाई केदार जाधव की बैटिंग देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फुल टेस्ट मेजबाजी। आरसीबी की गांड कितनी बार बचाई है? 308 तक तो याद है। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है। इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट्स ऑन मत करना, वो मैंने धोनी और कोहली को बोल्ड कर दिया। सही में यार कभी कभी वो जो पागल फैंस रहते हैं ना इतने ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, धोनी के हो, कोहली के हो। अब ऐसे ऐसे कमेंट करे भाई को कमेंट ऑफ करना पड़ गए, और कमेंट भी कोई ऐसे समझदारी वाले नहीं, एकदम मंदबुद्धि। तेरी औकात है क्या कोहली भाई को बोल्ड करेगा? है तभी तो बोल्ड कर दिया। अजीब ही लोग यार। रजत पाटीदार इन आरसीबी प्लेइंग 11 आता है जाता है फिर वापस आ जाता है। शहबाज अहमद के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है आरसीबी में। स्टॉइनिस खेल रहा है, हाँ उसे लास्ट ओवर डलवा दिया, नहीं डलवाना था। तुम आरसीबी को कितना भी ट्रॉल कर लो, एक बार जो आरसीबी से जुड़ जाता है ना वो कभी वापस नहीं जा पाता। स्टॉइनिस भाई आज भी अपनी पुरानी टीम के लिए खेलते हैं। पीसी एंजॉयिंग अर्ली विकेट्स ऑफ आरसीबी, बैट्समैन स्ट्रगलिंग टू स्कोर रन्स। एबीडी विलियर्स विद 75। ओ चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा। थैंक्स टू एबीडी गाइस, इट्स स्टॉइनिस इन द हाउस। हमारा डेथ बॉलर कैसा हो, स्टॉइनिस बॉय जैसा हो। दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल कैप्टन से आ रहा है तू। दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है तो। बुमराह एंड रबादा आर द बेस्ट यॉर्कर बॉलर्स। सिराज विद हिज डेथ ओवर बॉलिंग एंड कंसिस्टेंट यॉर्कर्स इन आईपीएल 2021। भाई तुम किसी भी बॉलर का मुझे बताओ जिसने इतना इंप्रूव किया हो। एक टाइम पे सिराज को, मतलब 1 या 2 साल पहले सिराज को डिंडा अकेडमी का मेंबर ऐसा बोलते थे, और आज कैप्टन इतना भरोसा कर रहा है कि डेथ ओवर्स ऐसे ही डलवा दे रहा है इनसे। कहाँ से इंप्रूवमेंट आया यार। आरसीबी सीएसके, आरसीबी फैंस कांग्रेचुलेटिंग देम फॉर क्लेमिंग द टॉप स्पॉट ऑन द पॉइंट्स टेबल। आरसीबी हू नोज, सीएसके विल रिप्लेस देम टुमारो आफ्टर विनिंग अगेंस्ट एसआरएच। भाई इतना ज्यादा मैंने पहली बार देखा पॉइंट्स टेबल में कि आरसीबी ऊपर आ रहा है, फिर नेक्स्ट मैच में सीएसके ऊपर आ जा रहा है, फिर आरसीबी, फिर सीएसके। अलग ही टशन चल रहा है दोनों का यार। विद डिविलियर्स, विदाउट डिविलियर्स आरसीबी। फैक्ट है भाई, फैक्ट है। हूएवर विंस टुडे विल रिप्लेस सीएसके एट द टॉप ऑफ द टेबल। लेट्स सीएसके फैंस, आई जस्ट होप बोथ द टीम लूज। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। एबीडी अनदर डे अनदर मास्टर क्लास। विराट कोहली अनदर डे अनदर, गजब बेइज्जती है। When you know you are currently meme machine Kohli, not run machine Kohli, just Virat Kohli and some of his priceless reaction. True definition of meme king. तो यार आज का प्रेडिक्शन करने से पहले बता दूं, अगर अपना आज का प्रेडिक्शन गलत होता है तो उसकी सजा ये है कि जो अपना मॉर्निंग में मतलब मेन वीडियो आता है वो जनरली 4 से 5 मिनट का रहता है, उसमें अपन लोग 1 मिनट का कंटेंट और ऐड करके उसको वीडियो को लंबा बनाएंगे, क्योंकि तुम लोग बोलते रहते हो ना यार ये वीडियो छोटा बनाया है, तो उसकी यही सजा। अगर आज का प्रेडिक्शन सही नहीं जाता तो 1 मिनट का कॉन्टेंट और उसमें एड किया जाएगा। वैसे आज के प्रेडिक्शन इतने रिस्की है ना कि मैं अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमने टीम बताई है, बल्कि कब बैटिंग करके जीतेगी वो भी बता रखा है। फर्स्ट प्रेडिक्शन है अपना सीएसके जीतेगी, और वो भी सेकंड बैटिंग करके जीते। सीएसके का टॉप ऑर्डर यानी कि टॉप 3 बैट्समैन चलेंगे अच्छे से। डेविड वार्नर 30+ रन बनाएंगे, मतलब ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से। एसआरएच में जो भी 1 डाउन बैट्समैन आएगा यानी कि मनीष पांडे या फिर केन विलियमसन, जो भी आएगा उसमें से भाई रन बनाएगा, क्योंकि अभी बोल रहे हैं मनीष पांडे के खेलने के चांसेस 90% से ज्यादा है, तो जो भी एसआरएच से 1 डाउन आता है वो स्कोर करेगा। शार्दुल ठाकुर हमारे विकेट लेंगे, और ड्वेन ब्रावो या लुंगी एनबीडी में से जो भी खेलेगा भाई 2 या 2 से मतलब 1 या 1 से ज्यादा विकेट लेगा, 2 विकेट लेगा मेरे हिसाब से। आज My11 सर्कल पे कॉन्टेस्ट है हमारा लक्ष्मण पाजी के साथ, तो जिन्होंने भी My11 सर्कल का ऐप डाउनलोड नहीं किया भाई जल्दी से जाके डाउनलोड कर लेना और ये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरे लिंक से डाउनलोड करने पे तुमको 1500 का यानी कि 1500 का कैश बोनस तो मिलेगा ही ब्रो। और ये वाला कॉन्टेस्ट भी अच्छा है और 1 रुपए पे 1 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मैं काफी सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाला हूँ जिसका रिजल्ट मैं तुमको कल बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मैंने टीम ली है वो विकेट कीपर मैंने लिया जॉनी बैरिस्टो को, बैट्समैन में मैंने लिया ऋतुराज गायकवाड को और फाफ डू प्लेसिस को। इनसे ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है यार अभी सीएसके में, तो जबरदस्त फॉर्म में डेविड वार्नर को लिया है और केन विलियमसन, कंसिस्टेंट विलियमसन को लिया है और सुरेश रैना को लिया है। ऑलराउंडर में मैंने ड्वेन ब्रावो, सैम करन और रविंद्र जडेजा, हाँ तीनों सीएसके के ऑलराउंडर है क्योंकि अपन को लग रहा है ना सीएसके जीतेगी, तो भाई सारे ही बॉलर्स वहां से रख लिए केवल राशिद खान को छोड़ के। एसआरएस से मैंने लिया राशिद खान और शार्दुल ठाकुर चेन्नई सुपर किंग्स से। अगेन अगर तुम चाहो तो यहाँ पे एक आध बॉलर जैसे कि सैम करन को हटा के यहाँ पे भूवी भाई को ले सकते हो, क्योंकि भुवनेश्वर भाई भी अब फिट हो चुके हैं और आने के लिए तैयार हो चुके, शायद इस मैच में ना खेले तो नेक्स्ट मैच में खेलेंगे और अगर आ जाते तो हम लोग उसको सैम करन की जगह पे भूवी भाई को भी ले सकते हैं। यहाँ पे कैप्टन मैंने बनाया फाफ डू प्लेसिस को और वाइस कैप्टन बनाया डेविड वार्नर को। तो यार यहाँ पे टीम का प्रीव्यू देख लेते हैं। विकेट कीपर में मैंने लिया जॉनी बैरिस्टो को, बैट्समैन मैंने लिया ऋतुराज गायकवाड, फाफ डू प्लेसिस, डेविड वार्नर, केन विलियमसन और सुरेश रैना को। ऑलराउंडर में हमने लिया ड्वेन ब्रावो, सैम करन और रविंद्र जडेजा को और बॉलर्स में हमने लिया शार्दुल ठाकुर और राशिद खान को। कैप्टन में यहाँ पे बना रहा हूँ फाफ डू प्लेसिस को और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ डेविड वार्नर को। अगर मोइन अली खेलते तो हम लोग टेलीग्राम पे तो टीम देख ही लेंगे, तनय 100 पे तुम लोग सर्च कर लेना और टेलीग्राम पे 10-15 मिनट पहले टीम आ जाएगी और वही फाइनल टीम होगी हमारी। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और स्पाइक मत भूल जाना यार। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.